नमस्कार आमर ओ आज अध्याय को आपण मान स्वागत करुष्पाजलि दर्शक बंधु आपण मैंने जानते आम डाएट सब बैलेन्स हवा दरकार कहीं बैलेन्स डाएट ना आम शरीर सहित मन भी सुस्थ रम शरीर उपयोगी आम से सब खावा उचित क्षीर जातीय है फ्रुट्स है ग्रीन भेजिटेबुल आ ग्रीन भेजिटेबुल भितर भेंडीर स्वाद न्यारा तेज चलतु ना आज आम भेंडी उपर गोटे रेसीपी बनवा आ पापड़ आ पनीर को लेकिन गोटे रेसीपी बनवा आईटा रेसीपी बनवाई मो सहित अच्छा सेफ रामेश्वर प्रथम स्वागत करवा हेलो रामेश्वर हेलो आप कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आज आप पापड़ आ पनीर को मिस गोटे रेसीपी बनवा आ गए भेंडी कौन से दुटार ना फर्स्ट पनीर पापड़ करी पनीर पापड़ करी देन अच्छी भेंडी अखानी भेंडी अखानी अखानी अच्छा यूनिक नेम अच्छे दीटा प्रथम बनवा पापड़ करी पापड़ करी कौन से सामग्री दरकार पापड़ करी पनीर पापड़ करी पई हमें नेचू पनीर नेचू पापड़ नेचू चॉप अनियन नेचू जिंजर गार्लिक पेस्ट नेचू चॉप ग्रीन चिली नेचू करी पत्ता नेचू जीरा पाउडर नेचू हल्दी पाउडर नेचू चिली पाउडर नेचू आमचूर पाउडर नेचू स्वाद अनुसार सॉल्ट गार्निश पई धनिया पत्र नेचू रिफाइंड ऑयल नेचू ए सब के नेकी बनवा पनीर पापड़ करी ओके एबे आसंतु बनवा पनीर पापड़ करी पनीर आरंभ करबा निश्चित भाबरे फर्स्ट हमें पनीर आ पापड़ को फ्राई कर देबा सिपे मु पेन बसे के तेलटा गरम कर देबा ओके फ्राई पे मु 100 रु 150 ml ऑयल पेन रे ऐड कर दउ छी ओके तेल गरम हला भीतर हमें पनीर को पापड़ को काटि देबा अच्छा फिंगर सेव रे काटी दबा 100 ग्राम पनीर पे हमें दीटा पापड़ नीचे भात रोटी रे छाणी के हला कि फ्राई करी कि फोड़ के जे पापड़ समस्त खांती ताको नी कुटे करी प्रिपरेशन समस्त करी प्रिपरेशन करबा हमें पापड़ को बेसी फ्राई करिवानी कारण जदी हार्ड फ्राई कर देबा ताले करी रे भांगी जवर चांसेस अछि पापड़ तमर फ्राई जाई छै बे पनीर फ्राई कर देबा सौ ग्राम पनीर नै जिमो 1% पे 100 ग्राम पनीर पनीर भी कलर चेंज होला नी अभी हम ताको काढी देबा यदि चाहिए पनीर को डीप फ्राई करिया पई ताले करि परिबे एबे पेन जगह रे कढ़े बसे देबा काहे कि ना हमें ग्रेवी बनेर छ हमको ओके साइड रे रख देबा ग्रेवी पई मु 2 रो 3 चम्मच ऑयल ले जाऊ छी सेही तेल को हमें यूज करि परिबा फुल 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देले तेल ऑलरेडी गरम है जी एबे हमें कंचा लंका ऐड कर दबा चॉप ग्रीन चिली ओके करी पत्ता मु ऐड करू छी 7-8 खंडे फुटी गलानी एबे चॉप अनियन दे दबा गोटे मिडिल साइज रो ऑनियन आमे चॉप कर दे छी अच्छा रामेश्वर आमे जो पनीर पापड़ करी बने एटा कहां से त खाइले भलो रहबो देखन तो एटा होची साइड डिश आमे चाहिले राइस संगरे नै परिबा राइस सहित राइस संगरे नै परिबा ब्रेड आइटम जेमती कि रोटी नान चपाती पूरी
करी आइटम माने एटा टिके झोळ रहइबो निश्चित भाबरे झोळ रहइबो तम भाउची राइस सहित भी भलो रहइबो प्लेन राइस संगे खाइले बहुत बढ़िया टेस्ट लागइबो जिंजर गार्लिक पेस्ट नेचे सीथ्रू मु हाफ टीस्पून ऐड कर दउची ओके प्याज भी भाजी हो गलानी एबे हमें मसाला पाउडर ऐड कर दबा जीरा पाउडर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून चिली पाउडर हाफ टीस्पून यदि आप चाहिए चिली पाउडर एक्स्ट्रा ऐड कर अल्प पानी दे देबा एबे हमें सॉल्ट नेचे सॉल्ट स्वाद अनुसार दे दूची सेते भी पापड़ रे हमर आगरु भी सॉल्ट थाए सेते हमें बैलेंस बैलेंस करके दबा पड़े सॉल्ट ऐड करिवा नॉर्मली करी हम सेमती किसी स्पेशल हमें इंग्रेडिएंट्स यूज करूँ एक्स्ट्रा अच्छे आमचूर पाउडर मैं भी आमचूर पाउडर दे दूँगी 1 टीस्पून आमचूर पाउडर कहले जदि आपण जदि आमचूर पाउडर भी इंग्रेडिएंट्स नाही ताले हमें जो घरोई आंबुल रखुचे सेटा हमें ऐड करी पाया एबे हमें ऐड कर दबा पनीर औ पापड़ जेतु करी आइटम आमे टिके तार थिन रहइबो ग्रेवीटा टिके पतला रहइबो आगुरा आमे फ्राई करी रखीचे पनीर रेड कर दउचे ता संगरे पापड़ दे दउचे माने पापड़ भी झोळ टिके सोक करिवो नि सोक करिवो निश्चित भाव रे आमे आगु टोस्ट करी भी करी परिवा पापड़ को पोड़ी के भी देई परिवा एबे हमें सर्विंग प्लेट रे ताको काढ़ी दबा हमें जदि चाहिबा पापड़ को आउरी स्मॉल पीस करी के भी फ्राई करि परिबा स्मॉल पीस करी भी फ्राई करी परिबा बट स्मॉल पीस कले तारो माने मास हि जीवर चांसेस छि से पे हमें ड्राई अच्छे हमें जब चाहिबा ताकू एक्स्ट्रा करी बनि परिबा हल्का धनिया पत्र दे देबा मैडम हमर फाइनली प्रिपरेशन हो जाए पनीर पापड़ करी ओके एबे टेस्ट करी कोन तो केमती हिची तारो टेस्ट पनीर पापड़ करी नियाती भाबरे गोटे पापड़ कने की करी आइटम निश्चित रूप से स्पेशल सदर बहुत बढ़िया हिची यूनिक टेस्ट अरे सब तिरे खाई हेबा आपण केवल रोटी की साइड डिश नहले भी मेन कोर्स रे खाई हेबा आ हम दर्शक माने नियाती भाबरे एबे गोटे यूनिक रेसिपी बनिया दरकार आपण माने देखिले पनीर पापड़ करी किबळी भाबरे प्रस्तुत हला एबे लेखि रखंतु ए करी बनिया पई आवश्यक होतवा सामग्री पनीर 100 ग्राम पापड़ दुईटा कटा प्याज गोटे भृसंग पत्र अल्प कंचे लंका अल्प अदर रसुन बटा हाफ चम्मच जीरा गुंडा गोटे चम्मच हळदी गुंडा हाफ चम्मच लंका गुंडा हाफ चम्मच आमचूर गुंडा गोटे चम्मच धनिया पत्र अल्प रिफाइंड ऑयल 150 मिलीलीटर ओ लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथमे पैन बसाई 150 मिलीलीटर तेल गरम करंतु सेथिरे पापड़ ओ पनीर को छानी रखंतु तापरे करेरे 2 चम्मच तेल गरम करंतु
सेथिरे अल्प कटा कंचा लंका भृसंग पत्र कटा प्याज हाफ चमच अदा रसुन बटा गोटे चमच जीरा गुंड हाफ चमच हलदी गुंड हाफ चमच लंका गुंड और पानी दे कसंतु स्वाद अनुसार लुण मिसांतु तापरे गोटे चमच आमचूर गुंड मिसांतु तापरे पनीर और पापड़ को मिसाई भल भाव फुटातु शेषे सर्विंग प्लेट को काढ़ी कटा धनिया पत्र गार्निश कर सर्व करंतु पनीर पापड़ करी एबे आसंतु बनेबा भेंडी अखनी रामेश्वर भेंडी अखनी पई कोर्स को सामग्री दरकार भेंडी अखनी पई आमी नेचे भेंडी नेचे दही नेचे बेसन नेचे टमाटर नेचे मस्टर्ड सीड पेस्ट बा सोरिसो पेस्ट नेचे हल्दी पाउडर नेचे रेड चिली पाउडर नेचे चॉप गार्लिक नेचे पंच फुटन नेचे ड्राई चिली नेचे भुर्सिंग पत्र नेचे धनिया पत्र नेचे स्वाद अनुसार लुण एवं रिफाइंड ऑयल ओके ए सब को नेकी बनेवा भेंडी भेंडी अखनी बनेवा तहले निश्चित भाव रे फर्स्ट आमी भेंडी को फ्राई कर देबा सेट पे गैस ऑन करू छी गोटे पैन नै जीवा तकु फ्राई पे हमें रिफाइंड ऑयल नबा 4 रु 5 चम्मच मु रिफाइंड ऑयल ऐड करू छी एटा पश्चिम ओडिसा रे हुए पश्चिम ओडिसा संबलपुर साइड रे फ्राई लोक बनांती ताना होची भेंडी अखनी अखनी ता पर मोर भी किछ आइडिया अछि निश्चित भाव रे एबे फ्राई कर दवा एबे खट्टा डिश करि सारला पर निहाते और टेस्ट करिवा बहुत बढ़िया लागे खट्टा डिश तापर हमें जेहेतु नै जे दही नै जे टमाटर नै जे सोरिसो बटा नै जे भेंडी फ्राई हेला भितरे हमें प्रस्तुत कर दवा मसालाटा सिपे मुरी फिंड ऑयल 2 रु 3 चम्मच ऐड कर दउ छी साउथ इंडिया रे जेमिति टिके खट्टा खांती या टिके स्पाइसी खांती सेमिति पश्चिम ओडिसा लोक भी प्राय खट्टा टिके बेसी खांती प्राय डिश रे पश्चिम ओडिसा रा खट्टा यूज हे थे बे तेल गरम हे गेलानी हमें पच फुटन नै छे पंच फुटन मु हाफ टीस्पून ऐड कर दउ छी एटा प्राय त हमें खाइ तो भात र गोड साइड डिश साइड डिश रे नै पारि बहुत भलो जाय आइटम रे फुटन टा फुटी गला अगरु हमें भेंडी टा बाहर कर देबा गोड प्लेट को काढ़ी देबा साइड रख देबा एबे हमें रेंज टा चेंज कर देबा हाई फ्लेम रे करे जल्दी हो जइबो भेंडी तो फ्राई हो जाए फुटन हमरो फुटी जाए पच फुटन डेट कर दीजिए आम नहीं ड्राई चिली नहींचे गोटा लंका गोटा सुखिला लंका 2 रु 3 खंडे पकईदे चप नहींचे गाली बा रसुण नहींचे चप कर दीजिए हाफ टी स्पून तापर भुर्सिंग पत्र नहींचे जोटा कि फेमस फॉर वेस्टर्न ओडिशा बहुत यूज हुए प्राय डिश्रे मैंने वेस्टर्न ओडिशा रे एटा गुड़सिंग का पत्र यूज करते हैं खट्टा रेसिपी रे प्राय खट्टा निश्चित बेटर जाए मु 6 रु 7 टा खंडे गुड़सिंग का पत्र ऐड कर देले गुड़सिंग का पत्र को जेमती से साइड रे कहंती मिर्सिंगा पत्र एग्जैक्टली तापर हमें बट्टा सोरिसो नै जाय छी सोरिसो पेस्ट ऐड कर दबा फ्लेम टा स्लो करूची सोरिसो को आमे बेसी कसी देले तीता लागे तीता लागे सोरिसो को प्राय तो फुटा जाय थे कसी वा पिका ता पर परे दही ऐड कर दबा दही फुल 3 चम्मच तो 4 चम्मच दही ऐड कर देली सोरिस
सोरिष को हल्का कसी दबा जेतु आमे कंचा सोरिष को ये करछे बट बेसी जदी कसी दबा तारो पीता लागिबो तापर बे हम पाउडर मसाला नै छे हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून ओके चिली पाउडर हाफ टीस्पून आगुर आम टमाटो काटी दबा टमाटो स्लाइस को ऐड कर दबा दही तो नहीं चे टमाटो नहीं चे हमें तापर भी चाहिए जदि आमचूर पाउडर बा घरे जो हमें रखी छे आंबुल यूज करी परबा समटाइम्स मु सेटा कहि बोली भाबुतले आंबुल भी ऐड करी थांती बहुत लोग आ गुटे पश्चिम ओडिसा रे गुटे मिले करडी बाउंस करडी सेटा भी ऐड बम्बर स्टिक रु हुए सेटा भी दिया जाए आपन जदि चाहिबे नॉर्मली दि तीनटा खटा पके के आपन बनि परबे हमें थिकनेस पे यार नीचे बेसन नीचे ताको हाई फ्लेम रे फुटिया को दबा मिक्स हो गला परे हमें मिक्सचर को मसाला देरे ऐड कर दबा फुटी गला पटे सिर्फ ठीक हो जीवो ग्रेविटा ठीक हो जीवो तो टोटल ही जाइछि एबे हमें लूनो ऐड कर दबा स्वाद अनुसार मु लूनो दे दउ छी फुटी गलानी हमरो मिक्सचर हमें एबे भिंडी जो नै छी भिंडी ऐड कर दबा ओके फ्राई भिंडी भिंडी भी हेल्थ पाई बहुत बढ़िया हमरा एबे हमें रेंज बंद कर दवा बा गैस ऑफ कर दवा सर्विंग प्लेट पे काढ़ी दवा ये बड़ा अपेटाइजर डिश देखो तो कलर भी बहुत बढ़िया दिस छी खटारे हमें झटापट बने परिवा सिमटी किछि बेसी टाइम भी लागि बोले तापर हमें टमाटो काटि के रखी छे एक्स्ट्रा गार्निशिंग पे हमें टिके ऐड कर दवा ओके भल लागिवो तर लुक ता भी हल्का दिखि छे तो फाइनली प्रिपेयर हो जाइछि भेंडी अखनी ओडिया डिश एबे आपन टेस्ट करी कोन तो केमती हिछि तार टेस्ट भेंडी अखनी रह ताले प्रस्तुत हे गेला भेंडी अखनी बहुत सुंदर आपन प्लेटिंग करछंती एक्चुअली मु कहिया को गले वेस्टर्न ओडिसा डिश सहित बहुत भलो भाबरे परिचित बिकॉज मु मध्ये से बिलोंग करछि अच्छा निहाती भाबरे टेस्ट करबी सतरे बहुत बढ़िया है रियल टेस्ट जम थाए हवा हाँ हम दर्शक माने मध्य गोटे थरे एटा घरे प्रस्तुत करि तार मजा नवा दरकार आपण माने देखिले भेंडी अखनी किबळी भाबरे प्रस्तुत थिला एबे लिखि रखंतु भेंडी अखनी पई आवश्यक होतबा सामग्री भेंडी 200 ग्राम पंच फुटण हाफ चमच भृसंग पत्र अल्प कटा रसुन हाफ चमच दही 4 चमच हल्दी गुंड हाफ चमच लंका गुंड हाफ चमच बेसन गोटे चमच टमाटो अल्प सोरिष बटा अल्प धनिया पत्र अल्प रिफाइंड ऑयल 50 मिलीलीटर और लूण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथमे प्यान बसाई 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम करी भेंडी को फ्राई करंतु आउ गोटे कराई रे 3 चम्मच तेल गरम करी हाफ चम्मच पंच फुटण अल्प सुखिला लंका कटा रसुण अल्प भृसंग पत्र सोरिष बटा 4 चम्मच दही हाफ चम्मच हलदी गुंड हाफ चम्मच लंका गुंड कटा टमाटो और सामान्य पानी दे कसंतु तापरे गोटे चम्मच बेसन को पानी रे गोलाई मिसांतु किछि समय फुटिबा परे स्वाद अनुसार लूण
छाणीथिबा भेंडी को मिसाई दियंतु। सेसरे सर्विंग प्लेट को काढ़ी धनिया पत्र और कटा टमाटर रे गार्निश करी सर्व करंतु भेंडी अखनी। आज आपण माने देखिले भेंडी अखनी और पनीर पापड़ करी रा प्रिपरेशन प्रोसेस। ए दीटा रेसिपी एबे घरे प्रस्तुत करंतु तार मजा नियंतु। रामेश्वर आज आपण आसिले आ हमर दर्शक मान को भेज उपरे दीटा बढ़िया रेसिपी बने के देखिले सेतिमे आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मध्ये धन्यवाद। आज रा टिप्स टी हला दही रे नडिया खंड काटी पकाइले बेस तटका रहिबो। दर्शक बंधु आज तो समय है कार्यक्रम को यही रखा आगामी दिन में आपण मान सहित पुणे देखा से पर्यटन विदाय दिं रोच नमस्कार।